73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साह पूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद। नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में झंडा तोलन किया गया। आज के दिन ही राज्य में गणतंत्र कायम हुई। ऐसे तो 26 जनवरी 1949 को गणतंत्र लिखा गया था, मगर जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ। तो आज के दिन पूरा देश जो है स्वतंत्र
गणतंत्रता दिवस मना रही है और सब लोग पूरे देश के लोग आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को लागू किया गया। आज गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान जो बनाया गया था लागू हुआ था। मैं उन सभी सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो संविधान बनाए हैं, और मैं पूरे देशवासियों को भी आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, हम लोग को संविधान की रक्षा करना चाहिए, तभी देश हमारा बचेगा और देश आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।